जदयू ने सीएम नीतीश को फिर बताया पीएम मटेरियल, लालू यादव को स्वास्थ्य पर ध्यान देने की सलाह। अखिलेश यादव ने बनाई बड़ी रणनीति, बीएसपी कांग्रेस को दिया जोरदार झटका। कोटियाल ने सीएम धामी पर साधा निशाना, कहा नौकरशाह चला रहे धामी सरकार। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के लिए बनाया नया फॉर्मूला, दिल्ली में चल रहा मंथन। गन्ना किसानों की बकाया राशि का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने 16 राज्यों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से, फिरोजाबाद में दिव्यांग जनों को निशुल्क ट्राई साइकिल वितरण की गई, जिसमें फिरोजाबाद जिले के अधिकारी चंद विजय सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद व जिला ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष अतुल प्रताप सिंह मौजूद रहे। आपको बता दें, आज फिरोजाबाद जनपद के तहसील सिरसागंज क्षेत्र के गांव करहरा प्राथमिक विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें दिव्यांग जनों को निःशुल्क ट्राई साइकिल व कृत्रिम अंग भेंट किए गए, जिसमें फिरोजाबाद जिला अधिकारी चंद्र विजय सिंह, जिला कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष अतुल प्रताप सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के साथ मुख्य विकास अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें सभी अतिथियों का फूल माला पहनाकर एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया गया, जिसमें लगभग 50 दिव्यांग जनों को निःशुल्क ट्राई साइकिल एवं कृत्रिम अंग भेंट किए गए। की कमी को दूर करना, उनके लिए उपयोगी बनना, मेरी समझ से किसी मंदिर में भगवान के जल चढ़ाने से बाल अर्पण से कम नहीं। अगर ये दिव्यांग मौजूद हैं तो हमें किसी मंदिर मस्जिद शिवालय में जाने की जरूरत नहीं, हम घर बैठे तो सारा फायदा सारा पूरे उठा सकते हैं। खबर है उत्तर प्रदेश के एटा से। एटा जनपद के प्रमुख चुनाव के दौरान सिकंदरा राव में बवाल के आरोपी बंटी यादव, मंजीत यादव और शवासत सुनील यादव की तलाश में हाथरस पुलिस ने शनिवार को एटा में दबिश दी। तीनों के मकानों और प्रतिष्ठानों पर छापे मार कर तलाशी ली गई। आरोपियों के नाम मिलने से पुलिस वापस लौट गई। कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित मोहल्ला सराय मिश्र निवासी देवेंद्र सिंह यादव उर्फ बंटी पुत्र राजवीर सिंह आगरा रोड पर मंजीत यादव के आवास और गांधी मार्केट स्थित सवाशा सुनील यादव के दफ्तर पर हाथरस पुलिस ने शनिवार को घर पर दबिश दी। प्रभारी निरीक्षक सिकंदरा राव, रवेश कुमार राणा और एसआई व अन्य पुलिस कर्मियों के साथ पहुंचे। मामले का मुकदमा इंस्पेक्टर प्रदेश राणा की ओर से 10 जुलाई को ही दर्ज किया गया था, जिसमें से 30 नामजद आरोपी एटा के हैं। सूचना मिलते ही आरोपी भाग गए। बलबे में शामिल एटा के लोगों को हाथरस पुलिस ने टॉप लिस्ट में शामिल किया है। खबर है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से। गाजीपुर में आईएस 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति कुर्क हुई है। मुख्तार अंसारी की पत्नी असफा अंसारी और उनके साले सरजील रजा की लगभग 2,18,00,000 की संपत्ति कुर्क हुई है। थाना कोतवाली के सैयावाड़ा में करीब 1,18,00,000 का आवासीय भवन भी कुर्क हुआ है। लखनऊ के गोमती नगर में करीब 1,00,00,000 की लागत का आवासीय फ्लैट को भी कुर्क किया जाएगा। गोमती नगर के लिए गाजीपुर पुलिस रवाना हो चुकी है। खबर है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज परिसर में जल भराव से मरीज और बीमारदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीमारदारों की माने तो ट्रामा सेंटर का रास्ता तालाब बन चुका है, निकलते वक्त गिरने व फिसलने का डर बना रहता है। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी गेट जो तालाब का रूप लिए हुए है, इस जल भराव में होकर बीमारदारों को अपने मरीज का इलाज कराने के लिए तो जहद करनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, कई बार पानी में गिरकर चोटिल भी हुए हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसे सवाल उठ रहे हैं, क्या नगर निगम गहरी नींद में सोया हुआ है या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार में बैठा हुआ है। हम हॉस्पिटल दवाई लेने जा रहे हैं। दवाई यहाँ पे क्या, किस तरह पानी वानी भर रहा था क्या? पानी भर तो रहे, पानी इतनी काफी भरने के लिए धोती ऊपर करके लेके आनी पड़ रही है। निकल ना पाए रहे, गिरवे का डर लग रहे हैं। हमें बच्चों को हवा लेके गिर गिरा पड़ेंगे, लग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। परेशानी हमारी का ये है ना। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।